करेंगे आज, स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए बच्चों, स्क्रीन आई होप डिस्प्ले हो रही होगी आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, तो बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, ये लॉजिकल चैप्टर है, थोड़े से कंसेप्ट हल्के से लगेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज कार्बन। कार्बन जैसे बाकी के एलिमेंट हैं उसी के जैसा एक एलिमेंट है। ओके, कार्बन इज अ केमिकल एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। इट इज अ वर्सेटाइल नॉन मेटल, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन बनाइए बच्चों अपनी कॉपी में, फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए, लिखिए कॉपी में, व्हाट इज कार्बन। ओके, सो कार्बन क्या है? कार्बन एक जो है केमिकल एलिमेंट है, कार्बन जो है केमिकल एलिमेंट है। कार्बन जो हुआ करता है वो एक केमिकल एलिमेंट है। कार्बन इज एन केमिकल एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। इट इज वर्सेटाइल नॉन मेटल। तो ये जो है एक बहुत ही वर्सेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा यूजेबल टाइप का नॉन मेटल है। अलग अलग जगहों पर ये इस्तेमाल में लिया जाता है, इसको हम कार्बन कहते हैं। हमें इस चैप्टर में कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हुआ करती हैं। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। कार्बन की पहली प्रॉपर्टीज़ है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.4 होता है। बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम 2.4 में? नो सर। ओके, क्योंकि कार्बन के इनर शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड देन आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 6 जो अपने पास बनेगा वो 2.4 की स्ट्रक्चर ले लेगा। ओके, यदि मैं इसमें अगर इसका कार्बन की मैं बताऊं स्ट्रक्चर, तो कार्बन के बेस में यानी कि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे। उसके बाहर जो इसकी पहली शेल होती है जिसे के शेल बोलते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, मैक्सिमम परमिसिबल भी 2 होते हैं। और बाहर कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब एक चीज ये समझो बेटा कि बाहर मैक्सिमम ऑक्यूपाई कितनी कर सकती है? सेकेंड शेल के पास ऑक्यूपाइजेशन कितने का होता है बेटा? टोटल 8 का होता है कि नहीं होता? हाँ सर। ओके, टोटल 8 का ऑक्यूपाइजेशन होता है, मगर इसमें भरे हुए हैं केवल 4, मतलब इसको कितने की डिमांड है बेटा? 4 की, है कि नहीं है? है सर। हाँ, तो अब इसके पास 2 रास्ते हैं। अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो स्टेबल होने के 2 रास्ते हैं, या तो ये इन चारों को लुटा दे और चारों को लुटा करके एक स्टेबल शेल बना ले, या बाहर से कोई 4 अदर खींच ले। हाँ या ना? हाँ सर। तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन करने के 2 रास्ते हैं, या तो 4 ले ले मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 रास्ते हैं, या तो ये 4 ले ले या 4 दे दे। तो कार्बन वैलेंसी होने के लिए 2 फैक्टर बन सकते हैं यहाँ पे कि इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन ले दे दे। ओके, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। बट 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही मुश्किल काम है, दोनों ही काम नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे इसका रीज़न हम जान लेते हैं। देखिए, इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन हैं और 4 प्रोटॉन हैं और यहाँ सॉरी 6 प्रोटॉन है, मैं 4 बोल गया, 6 प्रोटॉन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं। अगर आप कहेंगे कि हम इन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकाल लें और ये बन जाए कार्बन प्लस 4 आयन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर एक प्लस आएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पर 4 प्लस आएंगे। बोलो बेटा यस और नो? यस सर। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उसकी लैटिस से निकालने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, और ये एक छोटा कार्बन एलिमेंट जो होता है बहुत छोटा होता है, साइज में बहुत कम होता है, इसलिए अंदर के जो ये न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव आयन्स बैठे हुए, जो पॉजिटिव चार्ज बैठे हैं, ये इनको बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फैच आउट 4 इलेक्ट्रॉन्स। बोल बेटा क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर सर। तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या अब बात करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन को ले पाना पॉसिबल है क्या? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले सके। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, और साइज बहुत छोटे होने के कारण जब ये 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर से, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है।
तो ये आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे और रिपल्सन की वजह से ये एक जगह पर बैठ नहीं सकते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ना ये चार दे सकता है ना ये चार ले सकता है। तो इस तरीके से कार्बन ना तो प्लस फोर बना सकता है ना तो माइनस फोर आयन बना सकता है। दोनों ही टाइप के आयन कार्बन नहीं बना सकता है, मतलब कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड बनाने में फेल हो गया, क्योंकि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। फिर कार्बन के पास एक नया रास्ता खुलता है जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं बेटा? शेयरिंग। तो कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और कहता है जो तेरा है वो मेरा है। समझ आया बच्चों, क्लास में यस हो? सर। हाँ। तो कार्बन कहता है, शेयर करता है, जो तेरा है वो मेरा है। ना जैसे आप टिफिन शेयर करके खाते हो, वैसे कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। और ये जो बॉन्ड बनाता है वो विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग बनाता है। शेयरिंग वाले जो बॉन्ड बनता है बेटा, उसकी एक बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। चलिए, तो ये बॉन्ड को क्लियर। क्यों भैया कहाँ हो समर्थ बाबू? सर यस क्लियर हो बेटा, गया। ओके ओके यस। तो ये शेयरिंग बॉन्ड बनाता है। चलिए, सो कार्बन की वैलेंसी तब भी कितनी रहती है? फोर रहती है। मगर कार्बन अपनी वैलेंसी प्लस फोर या माइनस फोर टाइप से शो नहीं करता है कि चार इलेक्ट्रॉन दे के या चार इलेक्ट्रॉन ले के, ऐसी नहीं बनाता है। कार्बन की वैलेंसी होती फोर ही है, मगर ये अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करता है? शेयरिंग करता है। और शेयरिंग करने पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। चलो पढ़ो स्वास्ति, टू कंप्लीट ऑक्टेट। To complete octet, either carbon can gain 4 electrons or lose 4 electrons. But if carbon gains electrons, it would be difficult for nucleus to hold 4 extra electrons as carbon atom is very small in size. एग्जैक्टली, कार्बन एटम स्मॉल साइज में होगा तो ये बहुत मुश्किल है कि ये चार के चार इलेक्ट्रॉन रख ले। नेक्स्ट, If carbon loses its electron, It would require a large amount of energy to remove 4 electrons as attraction force of nucleus is more in carbon atom. Thus, it is difficult for an atom of carbon to either gain or lose electrons. Carbon makes 4 covalent bonds and attain the noble gas configuration by shearing its valence electrons. Okay. यस। सो देखिए, इफ कार्बन लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट वुड रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इतनी सारी एनर्जी जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाने की, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है न्यूक्लियस का सा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कार्बन जो है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। कार्बन जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और क्या अटेन करेगा? नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन क्या होता है भाई? नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन मतलब कि कंप्लीट फिल शेल कॉन्फिगुरेशन, जो होता है 2, 8, 18, 18, 32, ये कहलाता है नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन। समझ गए ना? तो मतलब या तो एटॉमिक नंबर 2 रहे, या तो 8, 2 + 8 = 10 हो जाए, या 2 + 8 + 18 मतलब कि कितना हो जाए, 18 और 10 = 28 हो जाए, है ना? 18, 8, 26, 2 = 28 हो जाए। इस तरीके का अगर कॉन्फ़िगरेशन बन जाए तो वो नोबल गैस बेटा 288 आता है, सॉरी 2, 8, 8, 18, 18, 36 आए। यस ओके, मैं कंफर्म नहीं हूँ लास्ट में क्या आता है, 32 आता है 32 आता है 36 शायद 36 आता है। तो चलिए, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है कि अगर मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में बैठे हुए हैं, अगर उनका एटॉमिक नंबर रीच हो जाए तो ये कार्बन चाहता है कि उनका एटॉमिक नंबर रीच कर ले। जैसे लास्ट में कौन बैठा है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। फिर उसके नीचे कौन बैठा है? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। फिर उसके नीचे कौन बैठी है? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। 2 + हाँ बिल्कुल सही, 18। आया स्वास्थ्य समझ में? यस सर। तो जो कार्बन है वो नियरेस्ट गैस का कन्फिग्रेशन गेन करना चाहता है, बट किससे गेन होगा? शेयरिंग से। आइए देखते हैं कैसे करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये कार्बन है और ये कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अंदर होते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाले,
और ये बाहर वाले चार इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4। तो आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले होते हैं, मतलब जो रिएक्ट करते हैं, जो एटम बनाते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं, वो बाहर वाले होते हैं, अंदर वालों से कोई मतलब नहीं, तो अंदर वालों को कभी मत बनाया करो। तो ये मैंने कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन आपको दिखा दिए, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये चार इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए। कार्बन अपने चार इलेक्ट्रॉन ले करके घूम रहा है हाथों में और कह रहा है आओ मुझसे कोई दोस्ती कर ले और अपने चार और दे दे तो मेरे चार और उनके चार बन जाए आठ और हम लोग शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। और देखो क्या होता है, तो ये जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, 1H1। तो हाइड्रोजन सपोज अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया, ओके, हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया, यस। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया इधर से, इधर से एक और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, इधर से एक और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, मतलब टोटल चार एटम हाइड्रोजन के आए हैं। और ये देखिए ये है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये शेयर कर देगा, ये कहेगा हाइड्रोजन देखो मेरे पास तुम्हारे तुमको कितना चाहिए, वो कहेगा हाइड्रोजन कहेगा मुझे दो चाहिए क्योंकि मैं क्या बन जाऊंगा, मैं हीलियम बन जाऊंगा दो इलेक्ट्रॉन लेकर के, 1 एंड 1, 2। तो कहेगा ठीक है एक काम करो तुम मेरे साथ शेयर कर लो, ये वाला मैं अपना बोलूंगा तुम मेरे वाले को अपना बोलना, ये वाला भी शेयर कर लो, ये वाला भी शेयर कर लो, ये वाला भी शेयर कर लो। अब कोई कार्बन के पड़ोस का आया, उससे पूछता है क्यों कार्बन तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन के हैं, तो कहता है कि चार मेरे वाले और चार मेरे दोस्त के, हम दोनों एक ही हो चुके हैं, पार्टनरशिप कर ली, बिजनेस खोला है, तो टोटल हमारा मनी एसेट हो चुका है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है चार तो थे ही, 5, 6, 7, 8 फिल हो गए, समझ गए, मतलब मैं क्या बन चुका हूँ, मैं नियॉन बन चुका हूँ, अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा या किसी से दोस्ती नहीं करूंगा क्योंकि मैं वैलेंस हो चुका हूँ। तो कार्बन जो है एक 8 इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। एक तो तरीका इस तरीके से, ये कार्बन जो है अपने आप को वैलेंस कर लिया, समझ में आया बच्चों। और कार्बन के क्या बन गया, नया कंपाउंड बन गया कार्बन का, दैट इज कॉल्ड मीथेन, CH, H, H। ये क्या है, ये कहलाता सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन को मिला करके क्या बनता है, एक सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज कॉल्ड कंसाइजली, इसको हम बोलते हैं CH4 और इसे कहते हैं हम मीथेन। समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके, तो इस तरीके से कार्बन आपने देखा शेयर करके, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है अपने। चलो ये हो गया, यस। दस इट इज डिफिकल्ट टू कार्बन एटम आइदर टू गेज लूज इलेक्ट्रॉन, कार्बन मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड एंड अटेन्स द लोअर गैस कॉन्फिगरेशन बाई शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके चलिए अब पढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन लिखिए, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ओके, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, क्वेश्चन बनाइए, राइट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। एक सेकेंड, चलिए देखिए, राइट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, हम कार्बन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों। तो एक कार्बन की आपने प्रॉपर्टी देख ली है कि कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तो कार्बन की वैलेंसी चार को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी आपने देखी है चार होती है, तो कार्बन की इस 4 वैलेंसी के फीचर को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। तो नोट कर लीजिए, कार्बन की पहली प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी। एंड कार्बन की दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। ओके, कैटेनेशन, कैटेनेशन। तो कार्बन की दूसरी जो जबरदस्त प्रॉपर्टी है वो है कैटेनेशन, और जितनी लंबी प्रॉपर्टी कार्बन में पाई जाती है वो इतनी लंबी कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहीं नहीं पाई जाती, किसी में नहीं पाई जाती है। सो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं कैटेनेशन, डैश करके लिख लीजिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। डन बेटा? यस सर। यस, अब चलिए इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे कि स्वास्ति यदि मुझसे कहे कि सर
आप मेरे कितने फ्रेंड्स को जानते हैं? तो ये स्वास्ती है, मैं स्वास्ती के केवल एक ही फ्रेंड को जानता हूँ, उसका भी नाम मुझे भूल गया है आज आज की डेट में। ओके, तो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है उसका, बट मैं भूल चुका हूँ उसका नाम। ओके, मान लो उसका नाम ए है और ये है लोकेश सर। तो लोकेश सर ए को जानते थे, ए की मदद से, ए की दोस्त एस थी, स्वास्थी थी, इसलिए लोकेश सर की भी दोस्त कौन बन गई? स्वास्थी बन गई। ओके, तो बट मैं कितने लोगों के दोस्त हूँ? अब मान लो स्वास्थी का कोई फ्रेंड है F1 और उसका भी कोई फ्रेंड है F2, तो मैं इसको तो नहीं जानता हूँ, ना मैं F1 को जानता हूँ ना मैं F2 को जानता हूँ, मगर कार्बन जो होता है अपने साथ जितने भी मैक्सिमम दोस्त के दोस्त को जोड़ करके रखता है, समझ गया ना? मतलब कार्बन जो होता है अपने चेन में बहुत सारे कार्बन को जोड़ के रखता है, लॉन्ग चेन बनाता है कार्बन, समझ गया ना? कार्बन जो होता है खुद के एलिमेंट्स के साथ लॉन्ग चेन बनाता है, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकेज, या इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी या कैटेनेशन बोलते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है? क्योंकि कार्बन का साइज स्मॉल होता है, ये स्मॉल साइज की वजह से होता है। स्मॉल साइज अगर ना होता कार्बन का तो कार्बन कैटेनेशन ना कर पाता, बाकी के एलिमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके साइज बड़े हो जाते हैं। ओके, तो चलो पढ़ो स्वास्थी, ड्यू टू स्मॉल। Due to small size of carbon, it has a unique ability to combine with other carbon atoms to form long chains. This ability of carbon is known as catenation. एग्जैक्टली, इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, डिसेबिलिटी इज कॉल्ड कैटेनेशन, क्लियर है? ठीक है ना? तो स्मॉल साइज के कारण। अब एग्जांपल की बात करते हैं, ये देखिए कार्बन का एक कंपाउंड है। ओके, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अब ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, डोंट वरी, थोड़ी देर में आने वाले हैं। बट अब हम इसका नाम जान लें, इसमें क्या है भाई, ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। ओहो भैया, 8 कहाँ से हो, मैं गलत गिना क्या? 1 2 3 4 5 6 7 ही है भाई, 8 लिख रखा है, गलत लिख रखा है बच्चों, ये गलत है, ऑक्टेन नहीं है ये, इसमें कार्बन है 7 एंड हाइड्रोजन काउंट करो बच्चों, तो 7 से 2 हो गए 14 और इधर 15 और इधर 16, तो C7H16, H16। तो जिनमें सिंगल बॉन्ड लगा होता है ना, जिनमें केवल एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, उनकी फैमिली कहलाती है एल्केन। क्या कहलाती है बच्चों? एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाली फैमिली एल्केन होती है। जैसे कि अपन लोग होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं ना, मिश्रा फैमिली, तिवारी फैमिली, सोनी फैमिली है ना, गुप्ता फैमिली, ऐसे इनमें भी फैमिली होती है। तो ये जो फैमिली है ये सिंगल बॉन्ड वाली फैमिली है ना, वो होती है एल्केन। तो इनका नाम कैसे होगा, अभी नाम में सिखाऊंगा, मगर 7 कार्बन 7 कार्बन को बोलते हैं, लैटिन ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट और 7 को बोलते हैं हेप्ट, हेप्ट प्लस एन, एल्केन का एन, तो बनेगा हेप्टेन। समझ में आया? यस सो सर दिस इज हेप्टेन, तो ये ऑक्टेन नहीं है, ये हेप्टेन है। ऑक्टेन के लिए 8 कार्बन होने पड़ेंगे। ऑक्टेन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा C8, और H कितना? 7 पर 16 है, तो 8 पर कितना हो जाएगा? 18। C8H18। अब इसमें 8 कार्बन बनेंगे तो ये कहलाएगा ऑक्टेन। क्लियर है? समर्थ? यस सर चलिए अब बात करते हैं अक्रेंस ऑफ कार्बन की। तो बच्चों कार्बन जो है फ्री स्टेट में भी पाया जाता है हमारे नेचर में, और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। अगर आप कंबाउंड स्टेट की बात करें तो कार्बन हमारे नेचर में ग्लूकोज की फॉर्म में पाया जाता है, कंपाउंड बना करके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बनाया पाया जाता है। ओके, और तमाम तरीकों में कार्बन जो है कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन CaCO, इसमें भी इन्वॉल्व है। तो ये तो कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है, बट यदि हम बात करें कि कार्बन प्योर फॉर्म में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कार्बन की प्योर फॉर्म है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरी एक और मॉडर्न फॉर्म आई है जिसका नाम है फुलस्पार।
फुल रेंस। तो ये तीनों क्या है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ओके, मतलब एक तरीके से घर में बैगन आया तो बैगन की तीन टाइप की सब्जी बनी, बैगन वन, बैगन टू और बैगन थ्री। किसी ने बैगन की रसीली सब्जी बना ली, किसी ने भरमा बना लिया, किसी ने कुछ और बना लिया, तो ये तीन तरीके की अलग अलग चीजें बन गई हैं। ओके, मतलब एलिमेंट तो एक ही है मगर इनकी जो अपीरियंस है, इनकी जो अपीरियंस है, कौन सी अपीरियंस, फिजिकल अपीरियंस अलग अलग है, केमिकल अपीरियंस नहीं। केमिकल तो सेम होगा क्योंकि जब एटम ही सेम है तो केमिकल सेम होगा, समझ गए ना। जैसे भट्टे की सब्जी केमिकल तो ठीक है वही है, मगर इनका फिजिकल अपीरियंस, भरमा अलग दिखेगा, भरता अलग दिखेगा, कलौंजी अलग दिखेगी, तो ये अलग अलग टाइप के नजर आते हैं। तो अगर किसी एलिमेंट के वे फॉर्म जिनकी फिजिकल अपीरियंस अलग अलग होती है उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। समझ में आया? ओके, यस। सो दे हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट अपीरियंसेस स्टेट और द फिजिकल स्टेट, दोज आर कॉल्ड एलोट्रॉप। चलिए तो देखते हैं कि कार्बन जो है किस किस फॉर्म में पाया जाता है। पढ़िए स्वास्थी, अक्रेंस ऑफ कार्बन। कार्बन अकर्स, कार्बन अकर्स इन टू फॉर्म्स इन नेचर, फ्री स्टेट ग्रेफाइट डायमंड फ्लोरीन, कंबाइंड स्टेट कार्बन ग्लू कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, शुगर एक्सेट्रा। ओके, एग्जैक्टली। सो कार्बन की ये जो स्टेजेस हैं, कार्बन अकर्स इन, ये इतने फॉर्म में दिए गए हैं। फ्री स्टेट में यदि बात करें तो कार्बन ग्रेफाइट डायमंड और फ्लोरेंस की फॉर्म में पाया जाता है, और अगर कंबाइंड स्टेट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कार्बन जो है अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बना के रहता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है, शक्कर की फॉर्म में रहता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, और शुगर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों नोट कर लो C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। ओके, C12H22O11, ठीक है ना, डन। Yes, sir, done. Okay. Yes. तो याद रखिएगा कि अब हम एलोट्रॉप की बात करेंगे तो एलिमेंटल स्टेट में ही जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगे वो एलोट्रॉप बनेंगे, उनमें क्या आएगा, उनकी फिजिकल अपीरियंसेस में बस डिफरेंस आएगा। ओके, केमिकल उनके सेम रहेंगे मगर उनकी फिजिकल अपीरियंसेस में डिफरेंस आएगा। चलिए तो आइए बात करते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की। पढ़े सोस्ती, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन ऑफ एन एलिमेंट which have different physical appearance and properties but their chemical properties are same as same are called allotropes. There are three allotropes of carbon, diamond, graphite and fullerene. Exactly. तो diamond, graphite and fullerene जो होते हैं ये तीन allotrop of carbon हैं। इनकी physical state में फर्क होता है। आखिर physical state में फर्क क्यों होता है? बैगन की सब्जी, बैगन का भरता और बैगन का भरमा तीनों अलग अलग दिखते हैं। क्यों अलग दिखते हैं? क्योंकि इनमें जो बैगन के पल्प की जमावट होती है वो अलग अलग होती है। बिल्कुल उसी तरीके से कार्बन तो तीनों में है। ओके, बहुत सारे कार्बन है। ओके, मिलियंस ऑफ कार्बन है बट उनकी जमावट अलग अलग है। अगर आप डायमंड की बात करें तो डायमंड में कार्बन कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है वो बच्चों कुछ इस तरीके से होती है। ये देखिए, ये चार कार्बन जुड़े हुए हैं इस तरीके से, और ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया करते हैं। ओके, ये जो है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस में? डायमंड में। तो डायमंड में ये थ्री डी स्ट्रक्चर बनाते हैं। मगर यदि मैं बात करूं ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट में हेक्सागोनल एरे बनता है, मतलब छः छः कार्बन, जैसे आपके घर में टाइल्स लगती है ना वैसे छः छः कार्बन जो होते हैं इस तरीके से। ये कार्बन है बेटा कोने पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कार्बन है। ओके, ये देखो इस तरीके से छः छः कार्बन जो है लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक के नीचे दूसरी लेयर रहती है। देखो ये दूसरी लेयर है, ये दूसरी लेयर है, तो इसमें लेयर स्ट्रक्चर रहता है। फिर फलरेंस में कैसी स्ट्रक्चर होती है? फलरेंस में फुटबॉल वाली स्ट्रक्चर हुआ करती है, मतलब क्लोज कॉम्पैक्ट ज्योमेट्री होती है फलरेंस में। आपने फुटबॉल के चकट्टे देखे होंगे, 1, 2, 3 है ना, 4, 5 और फिर 6 ऐसे कुछ रहता है, फिर इसके बाद यहाँ मुड़ जाता है, इसके बाद यहाँ मुड़ जाता है पूरा। मैं फुटबॉल मेरे को बनाना नहीं आता है। ओके, थोड़ी कोशिश करता हूँ बना के, 1, 2, 3 ले, गड़बड़ हो गई, फुटबॉल कुछ और बन गई। हाँ ऐसे, फिर इधर से भी कुछ बनेगा ऐसे कुछ आ करके,
ओके okay. और वो कुल टोटल राउंड शेप होकर के एक ऐसा कुछ कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना देगा, वो फुटबॉल बन जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड फुलरेंस. तो ये जो होते हैं फुलरेंस होते हैं, याद रखिएगा, ये फुलरेंस जो ढूंढा गया है वो 60 कार्बन वाला फुलरेंस ढूंढा गया है, 60 कार्बन वाला. चलिए पढ़ते हैं डायमंड. तो डायमंड की क्या स्ट्रक्चर है, पढ़ो बेटा. डायमंड इज अ, पढ़ो स्वस्ति. डायमंड इज अ थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लार्ज 3D नेटवर्क कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स, डायमंड इज वेरी हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 4827 डिग्री. एग्जैक्टली. तो एज ऑल द कोर 4827 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, इतने पे ये मेल्ट होगा. सोचो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा. समझ गया ना. यस. नेक्स्ट. एज ऑल द फोर, As all the four electrons are utilized in making covalent bonds, no free electron is available for conduct electricity and therefore diamond is a bad conductor of electricity. एग्जैक्टली. यस. डायमंड इज ट्रांसपेरेंट एंड शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. यस. तो ये ट्रांसपेरेंट होता है बिकॉज इसमें जो एंगल होते हैं, इसकी जो कटिंग होती है डायमंड की, बहुत ज़्यादा हुआ करती है. तो एक फिजिक्स का अलग एक कंसेप्ट है क्रिटिकल एंगल वाला. तो डायमंड ऐसा कुछ नहीं कि कार्बन की वजह से चमकता है, डायमंड की जो कटिंग की जाती है वो बहुत शानदार कटिंग होती है, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका हाई हुआ करता है. ओके. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बच्चों लिख लो, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, 2.42. ओके. मतलब ये लाइट को बहुत भयंकर बेंड करेगा, इतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब लाइट को ये बहुत ज़्यादा बेंड करेगा. मतलब एक बार लाइट डायमंड के अंदर आ गई, 2.42. हेलो समर्थ, बोलो कुछ यस पूछो. सर, मिल गया. ओके. 2.42 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से क्या होता है, लाइट की बेंडिंग बहुत शार्प होती है. तो एक बार लाइट अंदर आ जाएगी, समझ गए ना, फिर वो शोले पिक्चर की बसंती की जैसे डांस करती जाएगी जब तक गब्बर बोलेगा, ठीक है ना. तो लाइट फंस जाएगी गुंडों के बीच में और डांस करना पड़ेगा उसको, इसलिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हुआ करती है. डायमंड इज ट्रांसपेरेंट एंड शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. हाँ भाई पता है. चलो पढ़ो बेटा. यूजेस ऑफ डायमंड. डायमंड इतना ज़्यादा कठोर होता है बच्चों, इतना ज़्यादा शार्प होता है कि इसको नुकीला बना करके कांच काटे जाते हैं, ग्लास काटा जाता है. पढ़ो. Due to its high hardness, it is used in making cutting and drilling tools for cutting glasses. Due to its brilliant shine, it is used in making jewelry. Diamond is used in surgical instrument to remove cataract from eyes. एग्जैक्टली. तो ये जो होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इसको कैटरेक्ट को काटने के लिए, फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना. पहले, अब तो लेजर ट्रीटमेंट आ गया है तो ये सब नहीं करते हैं, पहले होता था. चलिए अब बात करते हैं ग्रेफाइट की. क्या होता कैटरेक्ट बेटा, आंख में क्लाउडी लेंस जो होता है, लेंस खराब होकर के क्लाउडी अपीरियंस ले लेता है. तो आंख में क्लाउड बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटरेक्ट बोला करते हैं, ठीक ना. जो आंख में जेली स्ट्रक्चर का लेंस होता है वो टोटली खराब हो जाता है. तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उस जेली स्ट्रक्चर के लेंस को पूरा रिमूव करते हैं और एक नया लेंस डालते हैं. चलो ग्रेफाइट पढ़िए. In graphite, each carbon atom is bonded with three other carbon atoms to form hexagonal rings. These hexagonal rings join together to form layers. These layers containing hexagonal rings are held together by weak van der Waals forces. देखो 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 बेटा, जैसे ये हेक्सागोनल रिंग है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो एक कार्बन यहाँ है एक कार्बन यहाँ है, ठीक है. और ऐसी रिंग बनती जाएंगी, मगर अब इसको तो दो पकड़े हुए हैं, वन एंड वन टू. एक कहाँ से बॉन्ड बनता है बेटा, नीचे से. तो एक नीचे से रहता है, समझ गए ना. तो इस तरीके से ये एरे बनते जाते हैं लगातार के लगातार. तो यहाँ पर इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है बेटा, बहुत ही वीक वॉन्डर वॉल फोर्स. नाम याद कर लो, वीक वॉन्डर वॉल फोर्स काम किया करता है, ठीक है ना. नेक्स्ट पढ़िए. ड्यू टू वीक, ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्स, दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर एंड देयरफॉर ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट्स एट
हाई टेम्परेचर। एग्जैक्टली. तो देखिए ये जो होती हैं, ये जो लेयर होती हैं एक दूसरे के ऊपर से आराम से स्लिपरी होती हैं, और यही कारण है कि जब आप पेंसिल की लेयर को रगड़ते हो तो हाथ में आपके ग्रेफाइट निकल के आ जाता है, क्योंकि उसमें जो लेयर्स होती हैं एक वीक वॉन्डरबुल फोर्स से बंधी होती हैं. और इसके क्या बनाए जाते हैं, इसके लुब्रिकेंट बनाए जाते हैं. लुब्रिकेंट क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत चिकना होता है, तो इसका जो पाउडर होता है, जैसे हमारे त्वचा में हम लोग पाउडर लगाते हैं, तो वो भी एक तरीके के लुब्रिकेंट का ही काम करता है, क्योंकि वो बहुत चिकना हुआ करता है. कैरम में हम पाउडर डालते हैं क्योंकि कैरम चिकना हो जाता है. इस तरीके से जो पाउडर होता है इसका, ग्रेफाइट का, वो लुब्रिकेंट का काम करता है. पढ़ो बेटा प्रॉपर्टीज. Properties of graphite. Due to its layered structure, graphite is soft and has sloppy touch. As the layers are bonded to weak van der Waals forces, it can act as a lubricant. Due to presence of one free electron, it is a good conductor of electricity and heat. ओके, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. नेक्स्ट, यूज ऑफ ग्रेफाइट. Use of graphite. It is used in lead pencils as it is soft and leaves black batter on the paper, black mark on the paper. Powdered graphite is used as dry lubricant for machine parts which operate at high temperature when oil cannot be used because graphite is non-volatile. It is used in making electrode in the cells. तो ये सेल्स में इलेक्ट्रोड, आपने सेल को फोड़ करके देखा होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रोड निकलते हैं. अब आइए बात करते हैं फुलरेंस की. फुलरेंस थोड़ा सा नया एलोट्रॉप है. इसको 90 के एंड में खोजा गया है, 90 के दशक में, इसलिए ये नया टाइप का एलोट्रॉप है ना. इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, या जितनी भी है उतनी ही काफ़ी है, ठीक है ना. ये कम एग्जाम में पूछा जाता है. पढ़िए बेटा फुलरेन. Fullerene is a closed hollow cage in the form of sphere, cube, and एलिप्सॉइड. ellipsoid, or of many other forms. हाँ, तो फुलरेंस के Structure of कई सारे fullerene. फॉर्म्स अवेलेबल हैं. ट्यूब फॉर्म में भी फुलरेंस पाया जाता है, स्फीयर फॉर्म में भी पाया जाता है, एलिप्सॉइड फॉर्म में भी पाया जाता है. स्ट्रक्चर ऑफ फुलरेन इज सेम एज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट के जैसे ही होता है, बट ये क्लोज होता है. पढ़ो बेटा, इट इज कंपोज्ड. It is composed of a sheet of linked hexagonal rings. Each carbon atom is bonded with three other carbon atoms, but they also contain pentagonal or sometimes heptagonal rings that prevent the sheet from being planar. Spherical fullerenes are usually called buckyballs, while cylindrical fullerenes are called bucky tube or nanotube. C60 is the smallest fullerene molecule that forms the shape of a football. यस, ये आपकी बुक में Since बना it हुआ है looks बच्चों, ये आपकी बुक में बना हुआ है. फुल बॉल से बकमिंस्टर फुलरेंस जो है बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड बकी बॉल. नेक्स्ट, सिंस like सर a ये वाला PDF आपने भेजा है ना हाँ बेटा. ग्रुप पे यही भेजा है ना. Since it looks like the geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, it was called Buckminster Fullerene or Fullerene. एग्जैक्टली. चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फुलरीन. पढ़ो बेटा फुलरीन की प्रॉपर्टी. नॉट इम्पॉर्टेंट, पढ़िए. Fullerenes are stable. But not totally unreactive. Fullerenes are soluble in many solvents like CO2, etc., but insoluble in other. Those have a small bond gap between the excited state and ground state. So excited state क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो कि कोई एटम है आपके पास में. ओके, ये एटम है, ये एटम अपनी इस शेल पे इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, ठीक है. अगर आप इसको एनर्जी दे देते हो तो ये अगली शेल पे पहुंच जाता है, तो ये जो स्टेट होती है ये कहलाती है इस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट. क्लियर हुआ. सो फुलरेंस आर सोल्यूबल इन मैनी सॉल्वेंट लाइक CO2, बट इनसोल्यूबल इन अदर. दोज हैव स्मॉल बॉन्ड गैप बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, बट इनसोल्यूबल इन अदर. दोज हैव ए स्मॉल बॉन्ड गैप बिटवीन एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट. फुलरेंस
आर द ओनली एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दैट कैन बी डिजोल्व इन कॉमन सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर लाइक C28, C36. तो ये बच्चों ये थोड़े से लास्ट वाले काम के नहीं है. ओके, फुलरेन्स आर स्टेबल बट नॉट टोटली अनरिएक्टिव. ओके, टोटली ये अनरिएक्टिव नहीं होते हैं, थोड़े से रिएक्ट भी करते हैं और ये कई सारे सॉल्वेंट्स में लाइक CO2 में भी डिजोल्व होते हैं. चलिए नेक्स्ट, यूजेस ऑफ फुलरेन पढ़ो बेटा. Uses of fullerene. Artificial photosynthesis in cosmetics, in surface coating, drug delivery system. Okay. तो इसमें इन सब में ये यूज किया जाता है, सरफेस कोटिंग में, कॉस्मेटिक में, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में. अब चलिए बात करते हैं बच्चों हम कार्बन के कंपाउंड्स के. कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन के कंपाउंड है ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं. ओके, बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, वो कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड में है. तो लिविंग सेल्स के अंदर जैसे हम लोग हैं, हम लोग के अंदर या पौधों के अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? पौधों के अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं उनमें तीन चीज़ें होती हैं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन. जैसे आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 कैसा कंपाउंड है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये ऑर्गन्स में पाया जाता है ना, चीजों में पाया जाता है, जीवित लिविंग बींग पाया जाता है, तो ये ऑर्गन है. तो कार्बन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये चीजें मतलब मिनिमम कार्बन और हाइड्रोजन रहे और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी चल जाएगा तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं. पढ़ो स्वस्ति, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. Compounds of carbon are classified into two types, organic compounds. Organic compounds are the compounds made up of carbon, hydrogen and oxygen generally. Organic compounds contain at least one carbon-hydrogen bond. Yes, minimum example, कम से कम एक carbon-hydrogen होगा. ज़्यादा भी हो सकते हैं, चाहे ज़्यादा कितने हो. Oxygen भी बीच में घुस सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Okay, मगर carbon-hydrogen bond होना compulsory है. ओके, हाइड्रोकार्बन. तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन. पढ़ो बेटा एग्जांपल. एग्जांपल मीथेन, मिथेनॉल, ग्लूकोज. इनऑर्गेनिक कंपाउंड डू हैव एनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये बेटा गलत लिखा है, डू नॉट हैव एनी है ना, डू टू नहीं है, ये डू नॉट है. तो यहाँ पे डू नॉट हैव एनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते हैं. ओके, दूसरे हो सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2. तो इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं मिलेगा आपको, और बाकी जो मिलना हो मिल जाए. चलिए, तो ये हो गए कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो हमारे सिलेबस में हमें केवल और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ही पढ़ना है. तो आइए बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन को पढ़ने. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहली कैटेगरी हमें आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन. ओके, हमने बताया आपको कि जो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, तो ऑर्गन्स में मेनली क्या क्या होता है? मेनली ऑर्गन्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी चलता है. तो स्मॉलेस्ट तरीके से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमारे जो सबसे सिंपल कंपाउंड होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन. नाम से स्पष्ट है कि इसमें हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा. पढ़ो बेटा कंपाउंड. कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन कैन फर्दर क्लासिफाई इनटू टाइप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. यस, तो यहाँ पे बात हो गई कि अब सर हाइड्रोकार्बन की दो वेराइटीज हैं, तो अपनी कॉपी में हाइड्रोकार्बन दो वैरायटी बनाइए. सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की दो वैरायटी बनाइए, जो वो बनी है वो मत बनाइए, मैं जो कह रहा हूं वो बनाइए. पहली वैरायटी है ओपन चेन और दूसरी है क्लोज चेन. क्लोज चेन, इसमें ज्यादा मजा आएगा. तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. बच्चों ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हम बोलते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में दो वैरायटी बनाओ बच्चों. ओके, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड.
इसी तरीके से क्लोज चेन में भी दो बताओ बनाओ बच्चों, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। जी हाँ यस, ये बनाइए ग्रुप, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ओके, एंड क्लोज चेन में भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। चलिए, ओपन चेन मतलब खुली चेन और क्लोज चेन मतलब बंद चेन। ओपन चेन में सैचुरेटेड, सैचुरेट मतलब कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में बेटा दो चीजें होंगी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया बच्चों? यस सर। हाँ, तो जैसे मैं बात करूं सैचुरेटेड की, तो ये देखो कार्बन कार्बन, जितने भी कार्बन जोड़ना मर्जी करे जोड़ दो, बट इनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं तो इनमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में बात करूं एक और, तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है ओपन चेन में, तो इनको हम बोलते हैं एल्केन। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो ये कहलाती है फैमिली एल्कीन, और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये कहलाती है फैमिली एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, समझ गए ना? जैसे पंडितों में होता है बेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। जो एक वेद का ध्यान करें वो वेदी, जो दो वेद पढ़ के आए हो द्विवेदी, जो तीन वेद पढ़े हो त्रिवेदी, और जो चारों वेद पढ़े हो वो चतुर्वेदी। इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन, चार बॉन्ड बन नहीं सकते हैं। समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड। अब के बाद बात करते हैं क्लोज चेन में सैचुरेटेड। तो क्लोज चेन में सैचुरेटेड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड क्लोज चेन में, देख लो सब बॉन्ड सिंगल है, क्लोज चेन है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो इनको हम बोलते हैं साइक्लो एल्केन। इनका नाम लिखो बच्चों, साइक्लो एल्केन, बना लेना ये चार्ट, साइक्लो एल्केन। ओके, एंड अनसैचुरेटेड किसमें? क्लोज चेन में। तो अनसैचुरेटेड क्लोज चेन में आपके बुक में केवल एक ही एग्जाम्पल है, डबल बॉन्ड वाला। ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका नाम है बेंजीन। बेंजीन नोट कर लीजिए, बेंजीन। समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? आ गया सर। ओके ओके, चलिए तो देखते हैं बेटा, चार्ट बना ली, फोटो खींच लो इसकी फटाक से, बहुत बढ़िया। डन सर। गुड, सर 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बना तो ली है, 2 मिनट उसको दिखा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ठीक है। हाँ सर। ओके, बहुत अच्छे। चलिए तो हाइड्रोकार्बन पढ़ो बेटा, पढ़ो स्वस्ति। Saturated hydrocarbons. The saturated hydrocarbons are hydrocarbons in which carbon atoms are linked together by single bonds only. ये पढ़ लिया था। Carbon made up of the carbon and hydrogen are known as hydrocarbon. Hydrocarbons yes, further classify two types, saturated and unsaturated. Saturated में क्या होते हैं? केवल single bond होते हैं, ठीक ना? Saturated में single bond होते हैं। आइए देखते हैं single bond family. सिंगल बॉन्ड वालों को हम बोलते हैं बच्चों एल्केन, एल्केन। तो इनका सरनेम क्या है? इनका सरनेम है एन,
तो जो भी इनकी फैमिली बनेगी, जब नाम ही फैमिली का है एल्केन, तो इनके सरनेम में क्या लगेगा, एन, है ना। जैसे मिश्रा फैमिली में किट्टू शर्मा, बिट्टू शर्मा, पिट्टू शर्मा, टिंकू शर्मा, ऐसे ही इनके नाम के आगे लगेगा एल्केन। ठीक है, क्लियर बच्चों? यस सर। अब कुछ, बट आपको प्रेफिक्स याद करने पड़ेंगे। शर्मा तो कॉमन है, बट आपको प्रेफिक्स याद करने पड़ेंगे। अगर बच्चे के सिर में एक सींग निकले हैं तो कुछ अलग नाम रहेगा प्रेफिक्स। दो सींग वाला बच्चा है अलग रहेंगे, तीन सींग वाला बच्चा है तो अलग रहेंगे। तो ये सींग का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर एक कार्बन है बच्चों तो वर्ड यूज करोगे मीथ। क्या यूज करोगे? मीथ। क्लियर है? यस सर। तो क्या बनेगा कंपाउंड? मीथ प्लस एन, मीथेन। दो कार्बन के लिए क्या यूज करोगे बोलो बच्चों? ईथ। ईथ। तीन कार्बन के लिए प्रोप। मैं प्रेफिक्स पूछ रहा हूँ, पूरा नाम नहीं बोलो। चार कार्बन के लिए ब्यूट। प्रोप। चार कार्बन के लिए ब्यूट। पांच कार्बन के लिए पेंट। छह कार्बन के लिए हेग्ज। सात कार्बन के लिए हेप्ट। आठ कार्बन के लिए ऑक्ट। नौ कार्बन के लिए नोन। दस कार्बन के लिए डेक। डेक। समझ में आया? यस सर। ओके, तो नोट करिए। है ना। अब देखिए नाम कैसे बनेगा, बस एन जोड़ते जाओ। मीथ प्लस एन, मीथेन। ईथ प्लस एन, ईथेन। प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। पेंट प्लस एन, पेंटेन। हेग्स प्लस एन, हेग्जेन। हेप्ट प्लस एन, हेप्टेन। ऑक्ट प्लस एन, ऑक्टेन। नोन प्लस एन, नोनेन। और 10 कार्बन का डेकेन। क्लियर? यस सर। चलो देखो कैसे बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन कैसे बनेगा। जैसे अपन को बनाना है सिंगल एक कार्बन का, तो एक कार्बन लगाइए, ये बन गया कार्बन, बाकी सारे जोड़ दो हाइड्रोजन। तो ये बन गया अपना CH4, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन। क्या नाम होगा? मीथ प्लस एन, मीथेन। चलिए दो कार्बन का बनाइए, कैसे बनेगा? सबसे पहले कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड दे दो, अब बाकी जितना बच गया वैलेंसी पूरी कर दो। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है, खाली कितनी हो गई? 2, 3, 4। इसकी भी एक पूरी है, खाली कितनी? 2, 3, 4। जोड़ दीजिए एच 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 एच। हाँ, क्या बना कंपाउंड का नाम? दो कार्बन छः हाइड्रोजन, C2H6, C2H6। नाम क्या होगा? ईथ प्लस एन, ईथेन। चलो समझ, तीन कार्बन का कैसे बनेगा? कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड। नाउ इसकी कितने वैलेंसी खाली फर्स्ट वाले की? तीन। इसके दो भर चुके हैं तो कितनी खाली? दो। और लास्ट वाले की कितनी खाली? तीन। नाउ एट द हाइड्रोजन रिस्पेक्टिव ब्लैंक एरियाज, आंसर क्या? C3H8। वेरी गुड, C3H8। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, डबल से दो ज्यादा, डबल से दो ज्यादा। तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा कंपाउंड का? अगर आप n कार्बन लोगे तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे? डबल से दो ज्यादा। लिख लो एल्केन का फॉर्मूला, CnH2n, हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा। ठीक है स्वास्थ्य, क्लियर हो रहा है? यस सर। CnH2n+2, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्केन, CnH2n+2, डबल से दो ज्यादा। ओके, तो इस तरीके से ये हो गए हमारे एल्केन। लिख लिया था बच्चों? यस सर। ओके,
अब चलिए अब बात करते हैं अनसेचुरेटेड की। तो अनसेचुरेटेड कैसे बनते हैं बच्चों? अनसेचुरेटेड जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कैसे बनेंगे, पहले जरा देख लो आप कैसे बनेंगे, इसको आप मेरे लॉजिक से समझ लो। बेटा जैसे ये आपके पास में है CH3 H H एंड यहाँ पे सी एच एच एच, ये अपने पास में है। अब क्या करो बेटा, अगर आप इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को उड़ा दो तो ये हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इनका भी है यहाँ पर, बोलो है कि नहीं है? बॉन्ड बनाते समय एक इलेक्ट्रॉन अपना भी तो है इनके पास, यस और नो? बिल्कुल है। तो क्या बचेगा इनके पास? इनके पास कुछ ऐसा बचेगा, ये एच तो रहेगा, ये एच भी रहेगा, ये बॉन्ड रहेगा, ये एच रहेगा ऊपर से, ये एच रहेगा यहाँ से। मगर अब बेचारा एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अकेला, कार्बन वाला, और एक इलेक्ट्रॉन इसके वाला, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बना लेंगे डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कहलाएगा एल्कीन। तो ये क्या बनेगा, इसमें दो कार्बन है मतलब ईथ, और जाति का नाम क्या है, ईन, ईथ प्लस ईन, ईथीन। सिंगल कार्बन में बन नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड दो कार्बन में ही लगेगा, मतलब मीथीन कभी पॉसिबल नहीं होगा। कोई कहे कि मीथीन बना दो तो भैया एक कार्बन में कहाँ आएगा डबल बॉन्ड, कम से कम दो कार्बन चाहिए हैं, तो ये कहलाएगा ईथीन। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H4। समझ में आया बेटा? यस सर। C2H4, दिस इज कॉल्ड ईथीन। तो देखो जितना कार्बन है जस्ट उसका डबल हाइड्रोजन है, तो अगर मैं कार्बन N लूंगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2N। तो फॉर्मूला लिखो एल्कीन का, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। एल्कीन का क्या था, डबल से दो है ज्यादा, CnH2n+2, ये था एल्केन। एल्कीन क्या है, CnH2n, ये एल्केन, ये एल्कीन, ठीक है? यस सर। चलिए अब इसी तरीके से देखो, अभी आपने कितने दो कार्बन दो हाइड्रोजन कम कर दिए हैं, अगर दो हाइड्रोजन और उड़ा दो इनको तो क्या बन जाएगा फिर, सी एक हाइड्रोजन इधर बचेगा और एक हाइड्रोजन इधर बचेगा और एक ट्रिपल बॉन्ड बचेगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन आपने और रिमूव कर दिए, तो ये कहलाएगा एल्काइन। एल्काइन ये क्या कहलाएगा, एल्काइन। और इसका फॉर्मूला लिखिए, CnH2n तो पहले से ही था, दो और कम कर दिए तो -2। फॉर्मूला लिखिए CnH2n-2। तो ये फैमिली बनेगी एल्काइन, और इसका नाम क्या होगा, ईथ प्लस आइन, इथाइन, ईथ प्लस वाई एन ई, इथाइन। सो दिस विल बी इथाइन, ये इथाइन बनेगा बच्चों, ठीक है ना? सो ये इथाइन। चलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिनिश करिए स्वास्ति, द हाइड्रोकार्बन्स। The hydrocarbons containing multiple bonds between two carbon atoms are called unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons can be further divided into two categories. Alkene, hydrocarbons having at least one double bond between two carbon atoms are known as alkene. For example, ethene, C2H4. Yes. Alkynes, hydrocarbons having at least one triple bond between two carbon atoms are known as alkynes. For example, ethyne, C2H2. Exactly. तो यहाँ triple bond है और single carbon में नहीं बनेंगे, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि एक prefix लगता है, मतलब सींग देख करके, कितने सींग, एक दो सींग, मतलब अपनी हिंदी भाषा में, और एक लगता है कि आपकी जाति कौन सी है, शर्मा है ना, द्विवेदी त्रिवेदी, तो उसके अकॉर्डिंगली एन आएगा, ईन आएगा, आइन आएगा। तो प्रिफिक्स मैंने आपको बता ही दिए 1, 2, 3 का। तो अगर एल्केन की बात करोगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अगर एल्कीन की बात करोगे तो एक कार्बन से शुरू नहीं होगा, दो से शुरू होगा, तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन,
हेक्सीन हेप्टीन ऑक्टीन नोनीन डेकीन। और अगर बात करोगे ट्रिपल बॉन्ड की तो आयन की बात करोगे तो क्या बनेगा, मिथाइन बन नहीं सकता है, इथाइन से बनेगा, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन ऑक्टाइन नोनाइन और डेकाइन। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ तो तुम मुझे बताओ, समर्थ यस सर, पंडित की वाइफ को पंडिताइन बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ सर। ठाकुर की क्या बनेगी? ठाकुराइन। ठाकुराइन। और बनिया की क्या बनेगी? तुम नहीं बोल क्यों स्वास्थ्य ऐसा होता है क्या पता नहीं सर तो इसलिए यहां पे मैंने आपको बताया है एल्काइन क्लियर है ना, तो एल्काइन बनेगा वैसे ही वैसे जैसे बनता है, ठाकुर की ठाकुराइन पंडित की पंडिताइन, तो बनिए की क्या होगी, बनियाइन होगी चलिए एनीवे तो कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। ठीक है? ठीक है सर। कल स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन बनेंगे। होमवर्क लिख लीजिए बच्चों, तो यहां तक पूरा मैंने बता दिया है, होमवर्क लिखिए, एनसीईआरटी बुक आपको करके लानी है यहां तक। सर हमने तो स्कूल वाले जब करवा रहे थे तभी कर ली थी। नहीं रीडिंग रीडिंग बेटा रीडिंग। ओके सर। रीडिंग कर लेना अच्छे से, है ना, मैंने आज इतना ही पढ़ाया है। और वैसे तुम मेरे सपने में आए थे और तुमने मेरे को बोला था सपने में, सर मैंने कंस्ट्रक्शन और सरफेस एरिया वॉल्यूम की पूरी आरएस और कंस्ट्रक्शन के चार पेपर लगा लिए हैं और आज मैं आपको शो कर दूंगा, ये तुमने मुझसे बोला ही था। चलो सर एनसीईआरटी तो हो गई है। ठीक, अच्छी बात है, कर लेना आराम से टाइम निकाल के, मगर दूसरे सब्जेक्ट भी देखते जाओ। ठीक है बच्चों, क्योंकि एग्जाम ज्यादा आ रहे हैं तो मैं प्रेशर नहीं दूंगा, वैसे अपन लेट हो गए थे इस बार। चलिए ठीक है बच्चों, गुड डे, फिर गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।